हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। आई बिलीव आप बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, मुझे पता है इस मोमेंट पे ऑफलाइन पे भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछता रहता है कि सर गेट एप्टीट्यूड के लिए क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं आज वही सारे टॉपिक का नाम लेने वाला हूँ जहां से सवाल पूछा गया है, और ये बात मैं कह रहा हूँ पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद। माय फ्रेंड, आपको पता है जो गेट का पेपर आता है 8 सेट में बांटा जाते हैं, सारे 29 सब्जेक्ट्स जो है सबका एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। अभी 8 दिन तक अगर एग्जाम होगा, 8 सेट होगा, तो करीब करीब 80 सवाल, 80 क्वेश्चन हर साल होते हैं। तो मैं सारे सेट को एनालिसिस करके जो लास्ट 3-4 ईयर्स का ट्रेंड है वही आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए थोड़ा वक्त लेकर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ माई फ्रेंड, देखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि गेट एप्टीट्यूड में मेन 4 पिलर है। पहला पिलर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका वो मैथ्स वाला सब्जेक्ट टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या रहता है उसमें हम बताएंगे। उसके बाद आ जाता है मेरे दोस्त वर्बल एप्टीट्यूड, यानी इंग्लिश वाला सेक्शन। एंड फाइनली द फोर्थ वन, स्पेशल एप्टीट्यूड, जो 2021 में मुंबई आईआईटी ने ऐड किया। अब चलिए देख लेते हैं ये अलग अलग 4 पिलर्स चारों यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जो मैथ वाला पोर्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। माई फ्रेंड, नंबर सिस्टम में भी क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एग्जाम में ट्रिक से ज्यादा बेसिक्स काम करते हैं। तो नंबर सिस्टम में बेसिक्स यानी डिजिट्स क्या होते हैं, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस, इसके बारे में आइडिया आपको, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई सवाल में पूछा जाए कि प्राइम नंबर कौन है, तो कौन सा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेसिक फ्रैक्शन का सवाल आ जाता है मेरे दोस्त, नंबर को यूज करके न्यूमरेटर से इतना ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर से इतना ऐड कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो बेसिक नंबर वाला कैलकुलेशन कुछ ज्यादा खास नहीं, बेसिक क्लियर रखना है। एचसीएम एलसीएम बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट आपको जानना चाहिए, ठीक है। एलसीएम के ऊपर लास्ट ईयर गेट में जी हाँ एक सवाल आया था उसका एप्लीकेशन जॉब के ऊपर, तो एप्लीकेशन बहुत आ जाता है एचसीएम और जीसीडी यानी एलसीएम का। माय फ्रेंड, उसके अलावा ट्रेलिंग जीरोस, कोई नंबर के एंड में कितना जीरोस है, यूनिट डिजिट्स, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, सम पावर का, मानिए 3 to the power 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्या पढ़ना है उसके लिए बस कुछ मत करो, आप पीवाईक्यू से शुरू करो। पीवाईक्यू में नंबर का सवाल उठा के करिए, नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके आगे क्या है सर, उसके आगे प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। गेट को बहुत पसंद है प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछना। माय फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी में वही सारी चीज, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडिया रखना चाहिए, वही कार्ड का क्वेश्चन, वही नॉर्मल अगर एक डाइस है, डाइस थ्रोइंग का प्रॉब्लम, सो बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बस कुछ नहीं। आपको कोई भी बुक पकड़ के बेसिक से नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली इस मोमेंट में बस पीवाईक्यू से शुरू करना है। सवाल से नॉलेज तक जाओ, नॉलेज से सवाल तक नहीं, अभी वो वक्त नहीं है। माय फ्रेंड, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में गेट में जो सवाल पूछा जाते हैं, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन, नॉर्मल वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, मोस्टली बहुत बेसिक है, पीवाईक्यू करिए। और ये बेसिक सवाल को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम अगर नंबर में सीख के आओगे, यहाँ पर भी आपको वर्क एंड टाइम में हेल्प करेगा, बहुत अवेलेबल है यूट्यूब में भी, हमारे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगा वर्क एंड टाइम के ऊपर, तो प्लीज देख लीजिए। आगे बढ़िए मेरे दोस्त, आगे क्या है, आगे है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, काउंटिंग का सवाल गेट पूछते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। माय फ्रेंड, अगेन द मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन वंस अगेन, मेंसुरेशन, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसके मेजरमेंट के बारे में सवाल, चाहे सिलेंडर हो, कोन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, एंड सर्कल हो, एंड स्फेयर, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आए हैं, ठीक है। जो जो फिगर्स मैंने कहा, क्या क्या कहा, स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए, रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नहीं, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, जो मेजरमेंट्स होते हैं, राइट। स्फेयर क्या, स्फेयर के बारे में पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, राइट। आपका अगर सिलेंडर के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसका वॉल्यूम क्या है, सर्फेस एरिया क्या है,
फोन के वॉल्यूम क्या है पता होना चाहिए। तो बस यही सारे टॉपिक आपको थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद माय फ्रेंड ज्योमेट्री, इसको कैसे भूल सकते हो, इसमें सर्किल देख लो, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाई कर लो। और सर्किल पे भी सेंटर थ्योरम बहुत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। सेंटर थ्योरम वो वाला थ्योरम है कि सेंटर में जो एंगल होता है सर्कमफेरेंस के उसके ऊपर हाफ एंगल हो जाते हैं। और ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो आने वाले दिनों में मई जून में जो सीएसआई नेट होगा उसमें भी आपको हेल्प लगेगा। तो प्लीज और प्लीज गेट के आगे ही ये सारे सवाल कर लीजिए। तो ये 6 चैप्टर आपके लिए मेरे तरफ से है। एंड ऑब्वियसली द फाइनल, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट दिस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना प्रतिशत इसके ऊपर आप लगा रहे हो उससे इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और ये जो परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम है ये अगर आप देख लेते हो बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉर्टेड है, इसके आगे जाते हैं माय फ्रेंड। आगे जाके हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है आप देख सकते हो, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम। सिलोजिज्म वो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में मैंने देखा था गेट में हर एक सेट में सिलोजिज्म कॉमन था। अगर कोई एक सवाल कॉमन था वो एक सिलोजिज्म है और एक स्पेशियल है। स्पेशियल में भी मैं टॉपिक बताऊंगा। सिलोजिज्म वो है कि ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द बिग थिंग, सम ऑफ देम आर अटेंडिंग दिस, सम ऑफ देम आर नॉट अटेंडिंग दिस, नो ऑफ देम आर गोइंग टू द पिकनिक। तो ये सारे कंडीशन लगाकर स्टेटमेंट और कंक्लूशन वाला जो सवाल आते हैं, राइट, क्लियर है। तो सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम यू मस्ट रीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एज वेल एज सीएसआई नेट। माय फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर तरीके से दे सकता है कि पीक्यूआरएस इसको आपको अरेंज करना है और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सरकारी नौकरी जैसा नहीं होता है। यहाँ पे जो सवाल आते हैं बहुत ईजी है बट बहुत दिमाग से सोच के करना होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा गेट का सवाल का टाइप देखिएगा, चाहे परसेंटेज पे प्रॉब्लम हो या प्रोबेबिलिटी या सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत लंबा सवाल देते हैं तो कभी कभार पढ़ते पढ़ते या फिर हम छोड़ देते हैं टेंशन के कारण। तो थोड़ा लंबा सवाल पढ़ने के बात करने का कोशिश करिए पीवाईक्यू से, तो आपको एक आदत आ जाएगा कि लंबा लंबा सवाल कैसे पढ़ना है। उसका ट्रिक्स भी मैं बता चुका हूँ इस चैनल के ऊपर, कैसे ब्रेक ब्रेक करके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माय फ्रेंड देखिए कंपैरिजन एंड ब्लड रिलेशनशिप। जी हाँ, कंपैरिजन का सवाल, यानी कि जिन सवालों में आपको पूछा जाता है इससे ये टॉलर है, अमन अमल से टॉलर है, इसका एज इससे ज्यादा है, इसका एज इतना कम है, ये जो कंपैरिजन हाइट उम्र वाला जो कंपैरिजन होते हैं बहुत पसंद है गेट को, आए है पहले सवाल, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप तो आपको पता है, और मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो सीएसआई नेट पे काम पे नहीं लगेगा, हर एक टॉपिक सीएसआई नेट पे काम पे लगेगा। माय फ्रेंड फाइनल डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। डेटा रहेगा छोटा सा, गेट ज्यादा घुमाएगा नहीं, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, रेशियो बहुत पसंद है गेट को। तो जहां पे आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज कर रहे हो, रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम भी आपको मिल जाएगा जो परसेंटेज के साथ मिक्स करके दिया जाएगा। तो रेशियो एंड परसेंटेज, इन दोनों का आइडिया आपको मिक्स करके सवाल दिया जाएगा डीआई में। माय फ्रेंड सेम गोज विद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, वहां पर भी रेशियो का एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग डीआई सॉर्टेड, इतना पढ़ोगे और कुछ जरूरत नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एलआर डीआई सॉर्टेड, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सॉर्टेड हो गए। माय फ्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट 12 मार्क्स इन गेट एग्जाम, इट्स अ ह्यूज थिंग। 15 मार्क्स टोटल रहता है, 10-12 मार्क्स इन सवालों से हो रहा है, तो ह्यूज थिंग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वर्बल एप्टीट्यूड, इंग्लिश वाला सेक्शन स्पेशली। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो कुछ खास नहीं है, आपको बस पीवाईक्यू से इंग्लिश पढ़ने का आदत होना चाहिए, समझने का आदत होना चाहिए, बस कुछ नहीं। आदत बनाना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पीवाईक्यू ओपन करिए, मेन मुद्दे की बात पीवाईक्यू ओपन करिए, प्रैक्टिस करिए। जो नहीं हो रहा है सवाल आके पूछिए कमेंट बॉक्स में। सर लोग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का भी लेक्चर दिपके सर ले रहे हैं, मैथ्स का लेक्चर दिनेश सर ले रहे हैं, सर को पूछिए पूछिए, नहीं तो आप बैचेस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे वॉच द क्वेश्चन, सॉल्व द डाउट एंड गो फॉर द एग्जाम, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, राइट। सेकंड वन इज ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, माय फ्रेंड प्रीपोजिशन से सवाल आ रहा है, आर्टिकल से सवाल आ रहा है, टेंसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, वही सारी चीज है, राइट। कोई और इसके ऊपर मैं तो आपको बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ, अभी के अभी हमारे यूट्यूब के ऊपर दीप के सर लेक्चर ले रहे हैं, आप देख सकते हो, टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये आने वाले लेक्चर्स हैं। दोपहर को 3 बजे लेक्चर्स हो रहा है आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल में।
जरूर आइएगा। अभी तक सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर चुके हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये 6 दिनों का लेक्चर देखिए, मुझे लगता है इंग्लिश सॉर्टेड है। इंग्लिश से 2 से 3 सवाल आते हैं 10 में 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। इंग्लिश का 2-3 सवाल आता है, यानी 3 से 5 मार्क्स, राइट। आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड, इसके आगे क्या है? इसके आगे ऑब्वियसली हमको स्पेशल एप्टीट्यूड के बारे में बात करना है। स्पेशल एप्टीट्यूड वो सारे सवाल जहाँ पे फिगर्स होते हैं ना, फिगर्स के माध्यम से जो सवाल पूछा जाते हैं, फिगर्स के माध्यम से मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस पूछा जाते हैं। यूट्यूब में लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज आते हैं। उसके बाद पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एक पेपर को फोल्ड करके अगर कट करोगे, उसके बाद ओपन करोगे, देखने में कैसा होगा पैटर्न, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स, इस तरीके का सवाल आपको पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा मिलेगा। आपको ध्यान देना चाहिए 2021 से ये शुरू हुआ है, 2021-2022 दो साल का सवाल, यानी 80 क्वेश्चन में बराबर मिला के देखो 25 to 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो बस वो करो और कुछ नहीं करना है। स्पेशल एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स के ऊपर, जो बिल्कुल बिल्कुल आप खुद ही कर पाओगे। इससे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, फिगर्स रहते हैं, उनको देखकर आपको जवाब सोचना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, आई बिलीव द आइडियाज आर क्लियर। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर गेट 2023 के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करिए। ध्यान रखिएगा सिर्फ क्वालिफाई करने से गेट में काम नहीं चलेगा, फर्स्ट टू टॉप 200-250 रैंक पे आने की कोशिश करिए। उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा हूँ मैं चैनल के ऊपर, प्लीज देखिएगा। गेट रैंक वर्सेस अपॉर्चुनिटीज, कितना रैंक आने से क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। 250 के बराबर रैंक करिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप लैब में जा सकते हो रिसर्च के लिए, आप एमटेक में जा सकते हो, उसके बाद अच्छे जॉब्स मिलते हैं। एंड इसके अलावा आप जो चीज कर सकते हो, पीएसयूज में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, डीआरडीओ में इंटरव्यू दे सकते हो। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू माय फ्रेंड, सो ऑल द बेस्ट। सारी मेहनत काम पे लगेगा, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर, लेट्स मीट वंस अगेन इन द लेक्चर सीरीज, गुड बाय।